वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी मारुति सुजुकी की गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलने वाला है इवन आफ्टर द सीएनजी फिटमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पे जो गाड़ी आती है वो आती है 177 लीटर बूट स्पेस के साथ मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। जैसे कि आप जानते हैं ऑल्टो 800 एक स्मॉल सेगमेंट की छोटी गाड़ी है जिसमें आपको एक सफिशियंट थोड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है। चार लोग कहीं पे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान आप रख के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सीएनजी फिटमेंट के बाद भी इस गाड़ी में बूट स्पेस मिले, बट तो इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस सीएनजी फिटमेंट के बाद नहीं मिलने वाला है। तो भैया अगर आप कहीं चार लोग जा रहे हैं एक साथ तो या तो आप अपना सामान कम कर लीजिए या ख़त्म ही कर लीजिए, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें सीएनजी फिटमेंट के बाद जगह आपको नहीं मिलने वाली है। नंबर चार की बात करें तो नंबर चार पर आती है 209 लीटर बूट स्पेस के साथ MPV Ertiga। जैसे कि आप जानते हैं Ertiga एक 7-सीटर कार है, इसमें अगर पूरे सात लोग बैठते हैं तो 209 लीटर का इसमें बूट स्पेस जो है मिलता है आपको, लेकिन CNG लगने के बाद इसमें भी बूट स्पेस आपको जो है बिल्कुल नहीं मिलता है। आप इसमें सामान नहीं रख सकते, छोटे मोटे दो बैग ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका ट्रंक क्लोज नहीं होगा। तो वहीं बात करें हम नंबर तीन पर आने वाली गाड़ी की। नंबर तीन पर जो गाड़ी आती है वो है 233 लीटर बूट स्पेस के साथ मारुति सुजुकी सेलेरियो। तो सेलेरियो में आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाने वाला है। आपको चार लोग अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो अपने सफिशियंट सामान आपका आ सकता है। बाकी 60-40 स्प्लिट तो इसके अंदर सीट्स हैं ही। इसके अलावा आप चाह रहे हैं आपको सीएनजी लगने के बाद एक मैसिव बूट स्पेस मिल जाए तो आपको इसके अंदर वो नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर आपको रेयर पासर ट्रे मिल जाती है, उसे हटा के भी आप सामान रख सकते हैं। बाकी उसको हटाएंगे तो आपका सामान 2 से 3 बैग्स इसके अंदर जो है आराम से आ जाएगा। बाकी उसको बिल्कुल ही हटा देंगे, आप चाह रहे हैं कोई बड़ा बैग रखना तो इसके अंदर वो भी उस रेयर पासर ट्रे को हटा के आप रख सकते हैं। वहीं बात करें नंबर दो पर आने वाली गाड़ी की तो वो है 240 लीटर के बूट स्पेस के साथ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो जैसा कि आप जानते हैं एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी है, K10 को रिप्लेस करके इस गाड़ी को लाया गया है। तो इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस सफिशियंट काफ़ी ज़्यादा एक छोटी गाड़ी के हिसाब से आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो वहीं बात करें हम इसमें आने वाले लगेज के बारे में, तो लगेज भी इसमें चार लोगों के हिसाब से ठीक ठाक आ जाएगा। तो अगर इसमें आप सीएनजी के बाद भी जगह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बूट के अंदर तो आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत जगह लगभग सेलेरियो के जितनी जगह जो है इसके अंदर मिल जाएगी कि आप अपने बैग्स जो हैं 2 से 3 बैग इसके ऊपर जो है रख सकते हैं। कंपेयर टू सेलेरियो इसमें सिर्फ 5 लीटर बूट स्पेस जो है पड़ता है, लेकिन आप उसके ऊपर भी सेम सिलेंडर के ऊपर अपना बैग्स वगैरह जो है इसमें रख सकते हैं। वहीं बात करें नंबर वन पर आने वाली गाड़ी की तो वो है 340 लीटर के बूट स्पेस के साथ वैगन आर, मारुति सुजुकी वैगन आर। जैसा कि आप जानते हैं इस गाड़ी में मैसिव बूट स्पेस आपको जो है मिल जाता है 340 लीटर के बूट स्पेस के साथ ही आप इसमें काफ़ी सारा लगेज रख सकते हैं। इस गाड़ी में बूट स्पेस की क्या बात करें, इस गाड़ी में तो आपको स्पेस ही स्पेस हर तरह से मिल जाता है। लेग रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा बूट स्पेस में आपको मैसिव मिल जाता है। इसके अंदर 3 से 4 से 5 लोगों का लगेज आराम से इसके अंदर रखा जा सकता है। वहीं बात करें सीएनजी लगने के बाद जगह की, तो सीएनजी लगने के बाद भी भैया आपको इसमें गाड़ी में जगह आपको अच्छी खासी मिल जाने वाली है। आपको रेयर पार्सल ट्रे के ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, उसके नीचे भी सामान रख सकते हैं, 2 से 3 बैग नीचे भी आ सकते हैं, रेयर पार्सल ट्रे के ऊपर भी बैग्स आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेयर पार्सल ट्रे आप हटा दें तो आप वो भी हटा सकते हैं। तो आप इसके अलावा बिल्कुल चाहते हैं कि उसे बिल्कुल हटा के अपना सामान रखना है इसके अंदर, तो भैया आप इसके अंदर बतेरा सामान रख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं। बाकी तो इसके अलावा आप इसकी सीट्स भी फोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद भी इसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो अगर सेगमेंट की बात करें सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी आपको मिलती है वैगन आर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।